आप जनरली डार्क लव स्टोरीज बनाते हैं, सो आप रियलिटी में रोमांटिक हो या डार्क? एक्चुअली दोनों का ताल्लुक है. मेरे हिसाब से रोमांस में जब तक उदासी नहीं है तब तक वो रोमांस पूरा होता नहीं. उदासी का अपना रोमांस है. अगर वो उदास शामिल ना होती तो कहाँ से ये इतना रोमांस निकल के आता. आई एग्री. थैंक यू सर. एग्री कैसे करती हैं आप भी उदास होती हैं कभी? तो बात आपकी शादी हो गई है? Yes. अच्छा, तो आपके हस्बैंड नहीं साथ में आए? No. क्यों, अभी उदासी चल रही है आजकल? थैंक यू सो मच शो में आने के लिए. थैंक यू सर. और कोई हमारे दोस्त जो बात करना चाहते हैं? अच्छा, आई प्लीज. नमस्कार श्रद्धा सर. मैडम एक सवाल मेरा आपसे पहले. हाँ, ये जो आपके साथ खड़े हुए हैं आपके ये मेरे कुलीग हैं. अच्छा जी. हमारे साथ हम लोग बिजनेस करते हैं. तो जब भी आप खड़े होते हैं ये साथ में वैसे ही हो जाते हैं? जी जी. शाहिद सर, मैं चाहती हूँ कि आपके साथ मंच पे आके मैं डांस कर सकूँ. सर आपने इतना अच्छा डांस किया, उसका एक सुपर हिट गाना है, क्या हम उस पर डांस कर सकते हैं? नाम तो बताइए पहले. माय नेम इज तेजिंदर. हाँ जी, आइए सर. आपको कौन रोक? आइए आइए. थैंक यू सो मच. बड़ा मजा आया आप लोगों का डांस देखे. थैंक यू सो मच. शुक्रिया. ये लोग आई थिंक सिखाने आए थे, सीखने नहीं आए थे. शाहिद आपको पता है आप अपने बालों को लेकर जितने चिंतित रहते हैं, क्योंकि आपको पता है अंदर से तो आपको पता ही है कि हाँ लड़कियां और ये सब मेरे बाल बड़ा पसंद करती हैं. यहाँ पे कुछ ऐसे आपके फैंस भी हैं जो चाहते हैं कि आपके जैसे बने, आपके जैसे बाल कटवाएं, और वो बाल कटवाने के लिए तैयार हैं, यहाँ पे बैठे भी हुए हैं. कहाँ हैं वो दोनों भाई साहब? कहाँ गए लड़के? जी, या तो ये आपके बहुत ज्यादा बड़े फैन हैं या फिर अपना कटिंग का खर्चा बचा रहे हैं, कुछ तो है. आइए. तो आपको हैदर वाला हेयर कट कटाना है? अच्छा, क्यों कटवाना चाहते हैं आप हैदर जैसा हेयर कट? सर साई सर इतना हैंडसम है और उनके ऊपर कोई भी लुक सूट होता है तो अभी सोच आपको भी लगता है कि आपके ऊपर भी सूट करेगा वो. और ये कुछ बोल ही रहे आप क्या अकेले खड़े, ट्रेन रोकनी, ऊपर से लाल पैंट पहनी है. आप कुछ बोल नहीं रहे इधर. तो आप क्या करते क्या वैसे? सर घूमने आया था. घूमने आया तो देखा अंदर शाहिद कपूर बैठा, चलो बाल कटवा लेते हैं. कैंची वेंची लाए आप? जी नहीं सर. नहीं तो कैसे, हाथ से काटे? देख लो बॉस, एक सीन के लिए गंजे हो जाओगे. देख लो अपना है, अभी माफी मांग के निकल लो. मैं तो कहता हूँ चलेगा सर. चलेगा, पक्का कटवाने आए हैं. चलो ठीक है, मेरे को क्या लाइए जरा, कोई रेजर वेजर मंगाइए जरा. चलो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. जनता ध्यान से देख ले, हम लोगों ने इनसे 50 बार पूछ चुके हैं, ये खुद कटवाना चाहते हैं. ओके मैं आपकी आपको कॉपी करूंगा, आप करिए, मैं वैसे करूंगा. आप साथ शुरू कीजिए. अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले आप मुझसे गुनाह करवा रहे हैं और कह रहे हैं मैं सेकंड हूं. अच्छा भैया बताओ, आईब्रो रखने के ये भी उड़ा दो. चलो भाई, चलो भाई, 1 2 3. ऑयल लगा हुआ ना, इस वजह से नहीं हो रहे. एक हैदर काफी, आप लग रहे. मैं आपके हेल्प करा देता हूँ. हाँ, हेल्प कर दीजिए. कम बजट का हैदर तैयार. शाहिद का एक और टैलेंट आप सबके सामने आया, ये बड़ी अच्छी कटिंग करते हैं. जोरदार तालियां शाहिद के लिए. इस हैदर के लिए जोरदार तालियां. बंदा बया अभी शाहिद सर को अपने बालों से प्यार है, वैसे मुझे भी था, लेकिन सर को बताना चाहूँगा, ये मेरी भी जो सिस्टर है साई सर की बहुत बड़ी फैन है, बहुत बड़ी. वो आ नहीं सकी स्टडी की वजह से, और एक दिन अभी उसको दीदी देख रही होगी, तो दीदी का नाम रागनी है, तो बहुत सर से प्यार करती उनकी वजह से, सर की फिल्म की वजह से और दीदी की वजह से मैंने बाल कटवाया. अरे हाउ स्वीट. दीदी लव यू. और सर जैसे आमिर खान की पिक्चर गई थी सुपर हिट, वैसे सर की हैदर उसे सुपर डुपर हिट जाए.
अरे क्या बात। और सर तो सर सबसे बड़े एक्टर ही है और डांसर भी है, उनके सर सर मैं एक डांस करना चाहता हूँ। बस ये शिमी वाला स्टेप मत करना, तो तेरे बाल सब ऐसे ऐसे गिर जाएंगे, बाकी जो तू बोलेगा हम लोग साथ में करेंगे। पिट्टू अब आ गए, पिट्टू तुम लोग आ कहाँ से रहे हो? अरे मैं बताती हूँ, मैं बताती हूँ, सांस को ले लो थोड़ा, सांस ले ले। अच्छा सांस ले लो तो आंटी थोड़ा जहर ले लो आप। मतलब मैं बता दूं आ कहां से रहे हैं, अब क्या है कि हम दोनों जो है शाहिद को ढूंढ रहे थे। अब शाहिद को ढूंढते ढूंढते हम पहुंच गए कश्मीर। अब कश्मीर में यहाँ ढूंढा वहां ढूंढा, ढूंढते ढूंढते एक बर्फ के पहाड़ पे चढ़ गए। फिर? अब वहाँ पे अचानक से धूप आ गई तो बर्फ पिघलने लगी, हर जगह हो गया पानी 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 पानी, आज ब्लू है पानी पानी पानी। हाँ, उसके आगे जब हम ढूंढ रहे थे तो वहां से हम आगे पड़े, फिर हम लाल चौक पहुंच गए। लाल चौक जो था वो सफेद पड़ गया था क्योंकि बर्फ गिर रही थी ना वहां पर। लाल चौक बिकम व्हाइट, आइस आइस स्नो। एक बात बताओ, आदमी जैसे दिखने वाली आंटी, मेरी बात सुनो, शाहिद को ढूंढ क्यों रहे थे आप? बड़ा बड़ा अच्छा सवाल किया, बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं बता दूं, एक बार जगह दे दो थोड़ा, बैठ जा बेटा। मैं बता दूं मैं आपको क्यों ढूंढ रही थी। चुपेगा? अरे नहीं चुप रहा, लंबा है वो। बेटा मैं बता दूं क्या है कि मेरे ना, आपको बता दूं आजकल की जो लड़कियां हैं ना उनमें कुछ बात नहीं है, कोई पोटेंशियल ही नहीं है आजकल की लड़कियों में। बेटा आपकी बात नहीं कर रही हूँ, बाकी जो लड़कियां हैं उनमें कोई पोटेंशियल नहीं है। तो इसके लिए आपका रिश्ता मैं करवा दूं, मैं करवा दूं, मैं आपका रिश्ता ऐसी लड़की से करवा दूं, कमाल की लड़की, ब्यूटीफुल, मतलब एक कश्मीरी आम टाइप की लड़की। कश्मीरी सेब? सेब होता है बेटा, आम तो होता नहीं है। तुम भी बोलती रहती है, कश्मीरी सेब टाइप की लड़की है मेरी बेटी, पलक। खूब जमेगी जब मिल बैठेंगे तीन रिश्तेदार, पंखुड़ी, पलक और हैदर, माइंड ब्लोइंग हो जाएगा वेदर। अच्छा विशाल, पहली बार आए हो, वो आके करती हूँ। क्या करती हूँ? रुक जा, हर चीज में अपना बड़ा सा मुंह लेके घुस जाती है। मैं बेकार की बातें बीच में करता, मैं एक बार विशाल जी से मुलाकात पकड़ लूं। विशाल जी मैं आपकी फिल्म देखी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। नहीं मैं सच में आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आपकी वो आखिरी जो फिल्म आई थी वो मटरू की गजनी का गंडोला। मटरू की बिजली का मंडोला? हाँ वही वही वही, मटरू की गुड़गुड़ लैम्बोर्गिनी का तंबोला। ये क्या बोल रही पंखड़ी आंटी तू? मैं नहीं बोल रही, ये गलती से मेरा पेट बोल रहा है। कभी खराब होता है ना तो ऐसे आवाजें पेट में से आने लगती है, मैंने नहीं कहा। मैं तो कह रही हूँ कि आपकी जो फिल्म मैंने देखी वो गटरू की खिचड़ी का गंडोला, वेरी नाइस गुड हीरोइन आपने, फिल्म अच्छी मतलब। लेकिन क्या है वो पानी में से निकल के वो बिकनी पहन के वो जो सीन ऐसा पिक्चराइज किया आपने, उस सीन के लिए अगर आप एक किसी और लड़की को ले लेते, मैं खाली कह रही हूँ अगर एक और लड़की को ले ले तो कमाल हो सकता था। वो है मेरी बेटी पलक। ब्यूटीफुल, क्या बन जाती फिल्म। तो आपकी बेटी थी तो पलक पूरी फिल्म में? मेरी बेटी फिल्म में थी? हाँ मैंने तो फिल्म देखी, कहाँ थी वो? अरे वो गुलाबी भैंस जो घूमती है। बड़ा यू कैन टॉक टू माई फुट, ये यहाँ इससे बात कीजिए आप। ज्यादा बोली तो दूंगी, बात करती हो। एक तो तेरे चक्कर में पूरा कश्मीर घूमाई, आपको बताएं सिद्धू जी क्या कश्मीर में मुझे कुछ भी नहीं मिला, ना राजमा, ना सेब, ना केसर, ना हैदर। मैं करती तो क्या करती, कह रही थी कि कश्मीर में जन्नत है, मैं तो कहती हूँ अगर जन्नत कहीं है तो यही है, यही है, यही है। ये क्या तरीका हुआ बेटा। बैठ कहाँ रही है चार गाड़ी, मेरे टेरिटरी में एंटर हो रही है तू? भाई जन्नत देखने का हक तो हमें भी है। अच्छा तुझे जन्नत नहीं दोजख दिखाती हूँ। अरे अरे रुक, तुझे क्या लगता है दादी? इधर जाके लड़ो, मरो जाके। किसके
बेटा दाढ़ी निकालने से ऐसा होता है। अब देख जन्नत करती रहना रात भर। मार जा। एक बार शायद श्रद्धा और विशाल सर के लिए जोरदार तालियां। सर भूल चूक माफ करना, लेकिन मैं मुझे उम्मीद है सर आपको इतना ज्यादा बुरा भी नहीं लगा होगा यहाँ पे आके। नहीं नहीं मुझे बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच सर। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू कॉमेडी नाइट्स। पाजी आज बात करते हैं फैशन की। फैशन मतलब लेडीज। दुनिया में जितना भी फैशन है ये औरतों के लिए बनाया। आप ऑक्सीजन बंद कर दो ये जी लेंगी, लेकिन ये लिपस्टिक पाउडर बंद कर दो ना 5 मिनट में वेंटिलेटर पे। सबकी सब चीज ऐसी है, फैशन मेकअप जो भी कह लें आप। और लेडीज को ना हर चीज में मैचिंग चाहिए होती है, ये बड़ा जरूरी है। मेरी बुआ ना वोट डालने गई, वो स्याही लगाते ना यहाँ पे काले रंग की स्याही थी, कहती ये नहीं है ये वाली नहीं, मेरी लाल वाली लगाओ, मेरी मैच नहीं करेगी इससे।